ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारे सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा 5-1 पर डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक IVF मोच तकनीक पूरी तरह से सिहावल में जंगल राज है और मुझे लगता है प्रशासन का भी कंट्रोल सिहावल में मारने में लग गए और हल्ला मचाए नहीं काहे से मारपीट भे वो टांगा मार दिए ना पीछे मेरे यहाँ कपार पे हम गिर गए पकड़ के उसको एक को जो पहले जब अच्छा पच्चीस रिपोर्ट दर्ज करावे गए तो अपना की रिपोर्ट नहीं लिखी गए नहीं लिखी गए काहे नहीं लिख रहे हैं अभी हम लोग के चले आए पर फिर हम लोग के घर में घुसे ताली के बड़ा सब तोड़ दिए यहाँ अस्पताल में आए के बाद अपना के ताला उलट दो या ढाई बजे रात हमारे यहाँ पहुँचे ना और वहाँ फिर 12-1 बजे पहुँचे हैं तो केवरा भड़की टोट दिए उनका डर है धीरवत है कि हम कलमेश्वर के आदमी आहेन हाँ कुछ हम कुछ भी कह सकते हैं अब हम मडल करवा है हाँ क्यों हमारा कुछ उखाड़ हम कमलेश्वर का आदमी आए साथ आए हैं चलिए तैयार में धमकी मिल रही है धमकी मिल रही हो के पावा पार हो जात बता चाहिए छुट्टी हो ये ऐसी सिहावल विधानसभा में ऐसा डर का माहौल तैयार किया जा रहा है कि आदिवासी गरीब पीड़ित ये डर में जी रहे हैं नहीं जंगल राज है मतलब ये माना जाए पूरी तरह से सिहावल में जंगल राज है और मुझे लगता है प्रशासन का भी कंट्रोल सिहावल में भैया के काहे अपना का लागत इनका हाथ है नहीं हो लागा खुले आम घूमल लागा तो नहीं के हाँ तो जब अब दूसर के तो है नहीं उनके यहाँ अलावा घटना का मध्य प्रदेश के विंद के सीधी में हम मौजूद हैं जहाँ सीधी के सिहावल विधानसभा के उकसा ग्राम पंचायत में एक बेहद बड़ा घटनाक्रम होता है। आरोप है पूर्व मंत्री विधायक कमलेश्वर पटेल पर कि उनके समर्थकन उनके कार्यकर्तन के द्वारा जो है एक आदिवासी परिवार का प्राण घातक हमला कि इनका टांगा से मारा पीटा गया एक मामूली विवाद का लेके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि 8 से 10 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक वो आरोपी के गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लगातार जो है पीड़ित के हालत अपना देखी लागे पीड़ित के हालत हालांकि स्थिर बनी है 13 से 14 टांका वह पीड़ित के मूढ़े में लगे हैं टांगा से हमला कीन का रहा और लगभग जो है प्रमुख पीड़ित अपना दिखते लाग हैं जो आदिवासी कोल समाज से हैं और उनके साथ उनके परिवारों वाले इनका बीच बचाव में चोट आई तो विंध क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जन इनका प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बातचीत के और ये खबर जो कई एक तरह से सवाल खड़े करा थी कि एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी के विधायक प्रतिनिधि पेशाब कांड मामला में आदिवासी के ऊपर पेशाब के चलते जो है इतना पूरा विश्व स्तरीय मामला बनेगा राष्ट्रीय मामला बनेगा और जो आरोपी रहा उसका घर गिराए दिन गए NSA के कार्यवाही किन गए लेकिन आज अब आदिवासी कोल समाज के ऊपर प्राणघातक हमला कह के बाद जो है आरोपी खुलेआम जो है सांस ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि लगातार परिवार का से मिले खातिर जो है जनप्रतिनिधि समाज सेवी सब पहुँच रहे हैं और अपन अपन बात जो है ये पूरे मामला में कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये प्रकरण कायम भा ये कई एक तरह के सवाल खड़े करते हैं अमिलिया थाना ये माँ लागत है और अमिलिया थाना में जब यह रिपोर्ट दर्ज कीन गए तब प्राण घातक हमला धारा 307 के उपयोग नहीं कीन गा साथ माँ 7-8 दिन बीते के बाद गिरफ्तारी नहीं भय तो सवाल तो बना थे हमारे साथ यह मामला माँ मुद्दम बात करे खातिर युवा समाज सेवी भाजपा नेता पवन धर द्विवेदी जी हैं। भैया जो कुछ ये घटना ही यह घटना का कहा पहले ये बताएं आदिवासी परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय और आज तक कोनो एमएन कार्रवाई नहीं कीन गए कोनो अपराधी पकड़ा नहीं गए FIRO जो उन दर्ज है उमिन जो उन धारा लगावे चाहे उधारा नहीं लगी है यह बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही गलत बात है। ये तो संभव नहीं है ये होना नहीं चाहिए। आदिवासी परिवार के साथ गरीब परिवार के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसमें पुलिस प्रशासन इसमें जो भी प्रशासन को दबाव दे रहा है वो सब जिम्मेदार हैं और इसकी जवाबदेही उनकी बनती है। चलिए भैया ये बताइए या जो अपना के हाथ में या हम कहा कि हमारे सहयोगी FIR के कॉपी का दिखा मैं ए माँ या 10-8-2023 के FIR कॉपी आए और ए माँ धारा 452 147 148 506 323 324 34 31 दा के तहत जो है मामला पंजीबद्ध की इनका। सबसे बड़ी बात यह उठा थी कि आखिर जब 17 टांका लगा है पीड़ित के
पता काहे नहीं 307 के मुकदमा काहे किया था, प्राण घातक हमला रहा, सिरमा हमला की इनका रहा। बिल्कुल बिल्कुल, इतना चोट एक जन की 17-18 टांका लगा है, 3-4 लोग और हैं जो बिल्कुल उनका कहाँ माथे में टांका लगा है, कहाँ यहाँ लगा है। और पुलिस प्रशासन 24 घंटा बाद FIR करे, 9 तारीख की रात के 9:30 बजे की घटना है, 10 तारीख की 11 बज के मतलब कुल मिला के 12 बजे के आसपास रात में FIR दर्ज किए गए। FIR में कहा है इतना डिले किए गए, और फिर एक उठे अपराधी पकड़ा नहीं गए, इसका वजह है बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपना कका लगा थे पूर्व मंत्री या सियावल विधायक कमलेश्वर पटेल के दखलंदाजी की वजह से या सब कुछ हो रहा है, या फिर कुछ और वजह ही जो शायद पुलिस या फिर प्रशासन या अपना बच्चे नहीं समझ पाए रहे। नहीं नहीं, कुछ और वजह तो नहीं हो सके, जिसको चोट लगी उसको चोट लगी है, जिसको मार पड़ी उसको मार पड़ी, जिसके घर में सरहंगाई की गई है वो तो की गई है। तो पुलिस प्रशासन के ऊपर फिर कौन दबाव डाल रहा है, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, पुलिस प्रशासन का काम ही यही है। फिर दबाव नहीं है तो फिर है क्या, शायद वो पटेल परिवार हैं, शायद वो उनके विधायक जी के गांव के हैं, तो वो शायद कुछ इसमें दबाव डाल रहे हों, कुछ उनका हस्तक्षेप हो, क्योंकि कार्रवाई ना होना इतनी बड़ी घटना में तो ये तो बहुत गलत है। नहीं, अभी तक आरोपी के गिरफ्तार ना हो बेका कौन नजरिया से देखे, ये तो असंभव बात है, मतलब डाइजेस्ट ना होने हजम ना होने वाली बात है कि अब तक अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसमें किसका हाथ है। मैं तो प्रशासन से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर जो STSC एक्ट लगा है उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत अपराधियों को जो है गिरफ्तार करना चाहिए, इसमें तो गैर जमानती वारंट होता है, तुरंत होना चाहिए। निश्चित तौर पर यह जो सबसे बड़ा जांच के विषय यह है कि आखिर इतने बड़े मामला पर प्राण घातक हमला पर 307 के मुकदमा काहे नहीं लगा बगा, और दूसर अभी तक जब 10 तारीख का FIR दर्ज हुआ तो 18 तारीख तक वो अपराधीन का वो आरोपी का गिरफ्तार पुलिस का ही नहीं कह पाई, जबकि सीधी पुलिस साइबर सेल है और बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जो उन्हें में तत्काल गिरफ्तारी हो के मतलब पूरी संभावना है, लेकिन 8-8 दिन से आरोपी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यह बताइए, वो आरोपी गाँव में है या फिर कहाँ बाहर है? नहीं नहीं, वो आरोपी तो हैं, यहाँ अभी यहीं इनके सब गांव के जानकारी, इनका सब पता। और ऐसा घटना एक नहीं भाई, अपना समझी ये आज महीना भर से हम देख रहे हैं, आदिवासी गरीब परिवार पर कंटिन्यू हमला हो रहा है, गहिरा वाला हमला जो संतोष कुशवाहा जी के ऊपर करी ओहो में हम हस्तक्षेप करे रहन, फिर गिरफ्तारी भय, एक बाद जो दुष्कर्म वाला मामला अबे नाबालिग के साथ भय मुस्लिम समुदाय के दो लड़कियाँ करीन ओहू पर हम हस्तक्षेप करें तो गिरफ्तारी भय, ओहू की दबावे की कोशिश कीन गए, कंटिन्यू जो उन्हें थे आदिवासी परिवार गरीब परिवार पर हमला किन जा रहा, अब एक दबावे के प्रयास किन जा रहा है। नहीं, अपना जैसा आरोप पूर्व मंत्री सियावल विधायक पर लगाई लगे, उन्हीं के द्वारा जो है आदिवासी परिवार का न्याय मिला रहा, और आदिवासी परिवार ये मानते थे कि जब वो धरना दिए रहे सीधी माँ कांग्रेस के और अन्य जो है नेतन के साथ, तब जाके उनका न्याय मिला रहा, वो प्रवेश शुक्ला के ऊपर कार्यवाही भी बहुत अच्छा, बहुत काबिले तारीफ उनका काम रहा, हम बहुत बहुत बधाई दे, बड़े अच्छे विधायक हैं, तो अपने घर की बगलों में धरना दे दें, वहूँ ठे आदिवासी परिवार एक जने नहीं कि जानी कई जने, वो तो 2 साल पुरान वीडियो रहा जो मूत्रकांड वाला रहा, 2 साल पुरान वीडियो रहा, मैंने मुख्यमंत्री जी बढ़िया सा सम्मान पैर धो के चरण मित्र ले के और उनके बढ़िया सम्मान दिए, उनका सम्मान वापस कराएं 10 मत के। अब ई विधायक जी के घर के बगल में आते हमें धरना दे, उनके कौन थकान लागा लग दें धरना, हमू संगे जाते धरना दे बाबू, भाई प्रशासन से कहो पुलिस से गड़बड़ी हो रही तू धरना दें, हम धरना में साथ में शामिल हो, बहुत अच्छे विधायक हम बहुत तारीफ कर रहे हैं, दें धरना इनके जिनकी न्याय दवावा, इतनी इतनी चोट लगी 18-18 20-20 टाका लगा है, अब 10 दिन से पौड़ा है, तो धरना काहे नहीं देते विधायक जी, विधायक जी के हम बहुत तारीफ कर रहे हैं मानी, दें धरना। चलिए, निश्चित तौर पर अपना देख रहे हैं कि छोट छोट बच्चन के साथ यह परिवार जो है पूरी तरह से एक कहा जाए ऐसा हाय जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन अपना पति जैसा समाज से भी जब इनके कांधा में हाथ धे दे थे पीठ थपथपावत थे और यह कहा थे कि भाई हम तोहरे साथ हैं, यदि आगे नहीं तो पीछे हैं, और कम से कम उनकर हिम्मत तो बधा थी, और निश्चित तौर पर एक विधायक की जिम्मेदारी बना थी कि वो इनकर वास्तव में न्याय की लड़ाई में उनका साथ दें, हमारे साथ यह परिवार के जो है सदस्य हैं, कहा ना हो अपने अजय कौल, अजय भैया विधायक जी तो आए रहे हैं, यह लागत है कमलेश्वर जी आए रहे हैं, क्या कहें उनसे, बात नहीं करें कि अपना कहे नहीं गिरफ्तार हो दे, उन कहें कि हम करवाओ सब करवाओ पकड़वाओ उनके बंद करवाए देवे, अब तक कुछ नहीं करवाए हो, अपना का लागत का है, काहे गिरफ्तार नहीं हो लागा ही, काहे 307 के धारा नहीं लाग उनके ऊपर काहे, जब ये नहीं कि हाथ हो तो भाई यहीं से नहीं हो लागे कौन कार्रवाई, एक हाथ हुई खुल भैया के काहे अपना का लागत है इनका हाथ है,
नहीं हो लागा खुले आम घूमल लागा तो नहीं कि हाँ तो जब अब दूसर के तो है नहीं उनके यहाँ के। ये घटना का अंजाम के दिन घटना के अंजाम राम प्रसाद नाम है यानी पटेल सुपेला के आए हैं, उनके लड़के का नाम है बिस्कुट पटेल आए हैं वो, और फिर राम नारायण है सचिन है, और राम नारायण के बेटे बाद छोटू हैं, पंडित के लड़का है एक जने राम सुशील पटेल के लड़का हैं सचिन अतना जने हैं, एक जने के नाम नहीं जाए, सात जने रहे। सात जने। चलिए हम पीड़ितों से थोड़ा बात कर ली, कहा नाम है अपना? के संतोष वर्मा। संतोष भैया ये बताइए कौने विवाद के चलते अपना के साथ इतनी बड़ी मारपीट भाई, कहा इतना बड़ा अपराध कैदी ने रहना? लाइट के बारे में साहब अपराध बता रहा, बीसन जूता मारा है, ये मेरे गाली दे के करेंगे। नहीं, ये लड़ाई कैसा लाइट के शुरू है? शुरू से अब ये कि मतलब लाइट नहीं देते, मादर चौधर गड़बड़ करा था तो बोल दिए कि भाई दादा भैया ऐसा ना करे चाहिए, लाइट आवा थी सबके पैसा दे ही तब दे ही, नहीं तो अपने से तो दे ही ना के मादर चौध तोरी दाई चौधर किया है मार दिन उतार के जूता लाठी लेके दौड़े रहे, फिर एक जने पकड़िन पटेल कहीं चले जा तू घरे, हम चले आए घरे खाना खाए के जब पहुड़े गए तो कहीं चला वहाँ पापा वाला वाला नारायण पटेल भेज रहे लड़के की तो नहीं गए साहब लपट गए, अब क्या करिए अकेले। नहीं अपना के पत्नियों के साथ भद्रता करी नहीं? भद्रता करीन पर पहले हमको पकड़ लिए ना दो आदमी तो वो मारने में लग गए और वो हल्ला मचाए। नहीं काहे से मारपीट भे? वो टांगा मार दिए ना पीछे मेरे यहाँ कपार पे, हम गिर गए पकड़ के उसको एक को जो पहले जब अपना पचे रिपोर्ट दर्ज करावे गए तो अपना की रिपोर्ट नहीं लिखी गए? नहीं लिखी गए। काहे नहीं लिख रहे हैं? अभी तो हमको मालूम नहीं, हमको थाने में लाके उधर वो क्या नाम है कुआं में डाल दिए थे अस्पताल में, वहाँ हमको ले गए नहीं, सबको तो ले गए हाँ, तो वहाँ कोई दर्ज नहीं किया हमारे साथ, सीधी की रिफर कर दी। चलिए सोची या दबंगई देखी कि एक मामूली विवाद माँ एक आदिवासी परिवार के साथ वकृत्य का अंजाम दिन गया है जो शायद मुख्यमंत्री के मंशा पर पानी फेरे जैसा है। मुख्यमंत्री लगातार दावा कर रहे थे कि हम आदिवासी के अपीड़ित शोषित वर्ग के हिमायती आहन, और उसके बाद जब ये में तस्वीर सामने आवा थी तो कई एक तरह के सवाल खड़े कर रहे थे। अब देखिए लागे चोट चोट लड़का बच्चा बेचारे परेशान हैं, और आज जो असहाय अवस्था माँ यह स्थिति बनाए दी थी गांव के दबंग, हालांकि गांव के दबंगन के जो कहा जाते उनके ऊपर छत्र छाया जो है पीड़ित के परिवार के शख्स के बताए अनुसार कि एक विधायक के है, और वो विधायक खुलेआम उन्हीं के कृपा पात्र हो के वजह से अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसा यह ऐसे हाँ उन्हें कि गांव का उन्हें कि आशीर्वाद है तब नहीं पकड़ लगाए के उन्हें बंद हो लगा है आज तक का। नहीं जब विधायक जी आए तो अपना ये कहन नहीं कि अपना काहे ये में करी लागे हम पचे तो बोट रहे हैं? हम कहें तो कहें कि हमारे हाथों में कौन नहीं आया, हम वही भोपाल से आई लाग हाँ। तो हम कहें कि अब तो आ गए हैं तब तो पकड़वाई उनके बंद करवाई दे, तो कहें कि हम पूरा कोशिश करब, अब तक कोनो कोशिश नहीं करी ना कोनो बंद आए न पकड़वाए हैं कुछ आए रहे तो कुछ पैसा रुपये की मदद करें, पैसा रुपया की मदद करें कहें कि हमें दे लागे खर्चा पानी यहाँ दवा कितना दिन रहे 5,000 दे रहे हैं जी, तो कहा 5,000 में सब हो गया व्यवस्था कुछ नहीं भाई हाँ। आखिर अब वो मारे जा रहे हैं, जब जान से मार दे होते तो 5,000 रुपया कौन काम करे हम हाँ। हाँ। चलिए तो अपना का क्या लागत है या न्याय के लड़ाई में न्याय मिली अपना का कि ना मिली? हमका तो कुछ नहीं लागल है, न्याय हमके चाहिए ला कि मिले न्याय मिले न्याय मिले तो गिरफ्तार हो ही लोग हाँ। ये बताइए जब रिपोर्ट दर्ज कराए गए रहें का सबके नाम लिखा कर सबके नाम लिखा है ना, हम पढ़े लिखे हैं नहीं तो जो लिखी कागज में तो लिख दिए कहें कि लिखाएगा, हम चले गए लेके अब हम पढ़े लिखे रहा नहीं बेन तो हम कहा जानी कहा लिखे हैं, तब ये कागज ले अब दिखाई ले अपने के नाम सबके बताए लग, अब अपना पंचे पढ़े तब खुद देख लाए कहा लिखा है, हम तो पढ़े लिखे नहीं आए। चलिए निश्चित तौर पर एक बेहद संवेदनशील मामला है, और निश्चित तौर पर हेमा हमका जो में अपना बच्चे आरोप लगा रहे हैं, हालांकि एक जनप्रतिनिधि के यह काम आए कि हर जो वोट दे थे वह आए, जो वोट नहीं दे वह ओहू के नेता होते हैं ओहू के वह पालक होते हैं, लेकिन जो में आरोप लग रहे हैं निश्चित तौर पर गंभीर है, और ये गंभीर आरोप के चलते अपना समझ सकी थे कि स्थिति का है, भैया खड़े हैं भैयों के मुड़े में टांका लगा लगा है, हम कहा कि गौर से तो हमारा जो सहयोगी हैं वो गौर से दिखा में कि ठीक ये टांका के चिन्ह दिखा लगे कई टांका लगे हैं अपना के छठ हैं
जिगरवाला ताना बांधा है। ये बताइए अपना के ऊपर कैसे चोट लग गई? हमारे ऊपर चोट लग गई साहब, भतीज को मार रहे, औरत मचाई गुहार हमारी, दौड़ के गए तो वहाँ से वो भाग रहा था, उसको हम पकड़े, वो मार दिया चाकू हमारे कपार पर, और जब चाकू मार दिया तो हमारा शरीर हस्त हो गई। नहीं ये बचे आही को जे ये इतना दबंग है कि अपना के घरे में घुस गए, चाकू टांगा ये सब लेके, हसुआ फसुआ टांगा ओंगा, जत्ता सात आदमी रहे सातों औजार ले रहे। नहीं तो को आही काहे इतनी? पटेल आही साहब, पटेल नहीं इतनी दबंगई, एक पंडित है, अब उनके दबंगई आ गई कि हमारा विधायक है आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे बोलते हैं। अब अभी धमकी दे रहे हैं, अभी हम लोग के चले आए पर फिर हम लोग के घर में घुसे, ताली के बड़ा सब तोड़ दिए। हाँ यहाँ अस्पताल में आए के बाद अपना के ताला उलट? हाँ, दो या ढाई बजे रात हमारे यहाँ पहुँचे ना, और वहाँ फिर 12-1 बजे पहुँचे हैं तो केवड़ा भड़की तोड़ दिए पूरा घर में घुस के, अब जब और कुछ किए होंगे। यही है साहब बात, तो बहुत सब बड़ा डुकायत ही नहीं भाई। चलिए अपना का पीड़ित के हम धर्म पत्नी से बात कराई थे, जिनके द्वारा जानकारी लेके प्रयास करी थे कि आखिर उनका का कहा है, का शुभ नाम है अपना? हमारा के है, नाम का है अपना? बिमला। बिमला जी ये बताइए का कुछ घटना भय रही है वो अपनों के साथ का कोनो में के मारपीट और कोनो घटना का अंजाम दिन रहा? हाँ, जब पति के हमारे लपट पड़े तो का कहा था, जब हम छोड़ावे गए तो हमका पटक दी, पटके के बाद घुटकी चाप लीन, मुँह चाप लीन, सीना में हाथ लगाइन, शरीर में हाथ लगाइन, और का कहा था पटकिन तो यहाँ लाग है लगा है, फिर हम हल्ला मचावे लागे, मारन लात खींच कर तो फिर गिर गए पाछे, पता नहीं फिर भाग दीन, तो हमारा देवर ससुर मतलब धाय धाय सबके वो आए, फिर गुहार लगाए तो यह घटना है। लड़कन के ऊपर काने पर लाद धाई दिन, बिटिया के बेटवा के लाद धाई दे रहे, नसपट हो गया बेटवा, ये इतने आदमी ले को पकड़ा बैठा रहे। ये बताइए ओके घटना के बाद जब अपना बच्चे अस्पताल चले आए तो का कुछ घरे में कुछ सामानों ताला लगा के आ रहे हैं घरे में, तीन ही ताला तोड़ कर, लड़कन का होम रहा और हमार रहा, मतलब झुमका रहा, मन चली रही, सब ये गहना गुड़िया मार पायल वाल सब हर चीज रहा, तो कुछ नहीं यहाँ सब ताला तोड़ कर निकाल ली लोग। इको करी सपना बच्चे जब एक मतलब आही का कहा था सुपेला का ही बिस्कुट नाम है, सची नाव है, छोटू नाव है, और वो लोग के नाम नहीं जानी तो मतलब रहे सात आदमी। हाँ चलिए, तो अपना पचन का अब गांव जाए माँ कौन में के डर है या नहीं है? हमको डर है, धीरवत है कि हम कलमेश्वर के आदमी आहेन। हाँ कुछ हम कुछ भी कह सकते हैं, अब हम मडल करबा है। हाँ के हमारा कुछ उखारी, हम कमलेश्वर का आदमी आए साथ आ हैं। चलिए तो ये में धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी मिल रही हो के पावा पार हो जात बता चाहिए छुट्टी हो ते चलिए मार के मचिक देंगे। चलिए तो ये स्थिति है, देखिए एक आदिवासी परिवार डर के साये में जिए का मजबूर है, और मजबूर हो के वजह यही कि उनका जो है अपराधीन का संरक्षण जो है सफेद पोष दे रहे हैं। अपना के आरोप है कि सफेद पोषण के संरक्षण में वो लोग फल फूल रहे हैं। पवन जी जैसा अभी इनका धर्म पत्नी संतोष जी के उनके द्वारा कहा गया कि अभी होम कब चेंट का डर है और धमकी मिल रही है कि तू बच्चे जो पावा पार करे मतलब नदी जो पार करे तो फिर तो हम चन के हम मर्डर कह दे, तो का यह सब का है? मतलब यह एक लोकतंत्र के नीचे हम बचे, सबसे बड़े मंदिर के नीचे हम बचे सुरक्षित अपने आप का, पुलिस की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था हो के बावजूद यह में डर के साय में का पीड़ित तब जी एक मजबूर हुई? नहीं, यह समस्या है, यह प्रॉब्लम है, यहीं से तो आदमी आवा है, यहीं से तो आवाज़ उठा रहा है कि ऐसी सिहावल विधानसभा में ऐसा डर का माहौल तैयार किया जा रहा है कि आदिवासी गरीब पीड़ित ये डर में जी रहे हैं। नहीं, जंगल राज है, मतलब ये माना जाए पूरी तरह से सिहावल में जंगल राज है, और मुझे लगता है प्रशासन का भी कंट्रोल सिहावल में नहीं है। इसमें बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे इसमें जांच और ध्यान देने की ज़रूरत है। सिहावल में कंट्रोल प्रशासन का खो चुका है, गरीब मजदूर असहाय, परिस्थिति उनकी है गंभीर, दबाव है, यही हालत वहाँ भी थी, संतोष कुशवाहा के यहाँ भी मैं गया था तो यही हालत इनकी है कि घर में रहें तो रहें कैसे, खेत में काम करने जाएं तो जाएं कैसे, कब कहाँ कौन हमला कर देगा और कौन कार्रवाई उस पर कराएगा और कौन हमारी सुरक्षा करेगा, इनको समझ में नहीं आ रहा है।
और ऐसे डर में तो नहीं जी सकता कोई। चलिए, निश्चित तौर पर यह पूरा मामला बेहद संवेदनशील है और संवेदनशील हम बे शब्द के उपयोग से करी थे कि आदिवासी समाज को उठावे खातिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो है दावा वादा कर रहे थे कि हम पूरी तरह से जो है यह समाज का एक स्तर आत्मनिर्भर बनाऊ। का यह में आत्मनिर्भर बनी यह समाज, का यह में व्यवस्था की गई, का यह में डर के साय में यह परिवार जिए का मजबूर रहे, यह व्यवस्था है, का यह इंतजाम है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बिल्कुल नहीं। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।